हो प्यारे बच्चों, आप सब लोग ठीक तो हो ना? बच्चों, क्या कभी ऐसा आपके साथ होता है, आपके सामने कोई मुसीबत हो और उससे लगातार डर रहे हो? आप मुसीबत से छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन आप कोई प्लान नहीं बना पाते। तो बच्चों, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये मजेदार कहानी आज आपको बड़ी सीख देगी। दादी माँ की ये कहानी बड़े ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में नदी किनारे तीन बकरे रहते थे। वो जंगल में हरी हरी घास खाते और मजे से अपने दिन गुजार रहे थे। इसी तरह समय बीतता रहा और पतझड़ का मौसम आ गया। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे और घास खत्म होने लगी। अब उन बकरों को नई जगह की तलाश थी। एक दिन छोटे बकरे ने दोनों बड़े बकरों को बताया कि नदी के पार एक बहुत बड़ा घास का मैदान है और वहां की घास सालों तक खत्म नहीं होती। तीनों ने नदी के उस पार जाने का फैसला किया। नदी को पार जाने के लिए उस पार एक बहुत पुराना पुल बना था। अब बकरों के सामने समस्या ये थी कि उस पुल पर एक भयानक राक्षस रहता था, जो हर आने जाने वालों को मारकर खा जाता था। इसीलिए उस पुल से कोई भी नदी पार नहीं करता था। तीनों बकरे नदी पार जाने का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते बड़े बकरे के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने वो उपाय अपने साथियों को बताया, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। इसके बाद तीनों बकरे पुल की ओर चल दिए। पुल के पास पहुंचकर दो बड़े बकरे एक पेड़ के पीछे छिप गए। सबसे छोटा बकरा पुल पार करने लगा। जैसे ही वो पुल के बीचों बीच पहुंचा, पुल पर रहने वाला राक्षस उसके सामने आ गया और बोला, तेरी ये जरूरत कि मेरे इलाके में आया, अब तू नहीं बचेगा, मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। छोटा बकरा घबराया नहीं, बल्कि बोला, राक्षस महाराज, आपको मुझे खाकर क्या मिलेगा? मैं तो कितना छोटा हूं, मेरे पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, आप उसे खा लीजिएगा। राक्षस ने मुड़कर देखा कि एक बकरा पुल की तरफ चला रहा है, तो उसके सामने खड़े बकरे से काफी बड़ा है। उसने छोटे बकरे को जाने दिया और दूसरे बकरे का इंतजार करने लगा। जैसे ही दूसरा बकरा पुल के बीचों बीच पहुंचा, राक्षस ने उसे पकड़ा और बोला, आज तेरी मौत तुझे यहां ले आई है, अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। दूसरा बकरा बोला, राक्षस महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, वो इतना मोटा ताजा है कि आपको कई दिनों तक खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राक्षस ने मुड़कर देखा कि एक मोटा ताजा बड़ा सा बकरा पुल की तरफ चला रहा है। राक्षस ने दूसरे बकरे की बात मान ली और उसे जाने दिया। इस तरह दो बकरे पुल के पार पहुंच गए। सबसे बड़ा बकरा जब पुल के बीचों बीच पहुंचा, तो राक्षस उसके भी सामने आ गया। तीसरे बकरे को देखकर राक्षस बड़ा खुश हुआ और बोला, अब तू मेरा शिकार है, तुझे मारकर जी भर खाऊंगा और कई दिन आराम से गुजारूंगा। बड़ा बकरा डरा नहीं, बल्कि तीन चार कदम पीछे हटकर तेजी से राक्षस की ओर दौड़ा और अपने सींगों से उसके पेट पर वार किया। अचानक हुए हमले से राक्षस संभल नहीं पाया। इतने में ही दोनों बकरों ने भी पीछे से उसकी टांगों पर वार किया। इस वार से वो पुल के नीचे नदी में जा गिरा और पानी के तेज धार में बह गया। इसके बाद तीनों बकरों ने खुशी खुशी नदी पार की और अपनी मंजिल यानी कि उन भरे घास के मैदान तक जा पहुंचे। इसके बाद वो तीनों बकरे वहीं खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया जाए तो समाधान जरूर निकलता है। जैसे इन बकरों ने सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया और राक्षस का सामना किया। अगर ये बकरे डर जाते तो कभी भी नदी पार ना कर पाते। समझ गए बच्चों? तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी के साथ।